सही मुस्लिम, लिखा हुआ उसमें कि अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस खाने काबे के साए में बैठे हैं। एक शख्स आता है ताबी, वो कहता है हजरत आप हमें कह रहे हैं कि अपने हुक्मरान और अमीर की इताअत करो, तो क्या ये हदीस आपने रसूलुल्लाह से खुद सुनी थी? उन्होंने कहा हाँ मैंने खुद सुनी है। उन्होंने कहा अगर यही बात है तो अल्लाह ताला तो सूरह निसा में फरमाता है कि ए ईमान वालो नहक तरीके से एक दूसरे का माल हड़प मत करो और एक दूसरे को कत्ल ना करो, और आपके चचा का लड़का मुआविया इब्ने अबी सुफियान जो हमारा हुक्मरान है वो तो हमें ये हुक्म देता है कि हम लोगों को नहक कत्ल करें और हराम तरीके से उनका माल लूटें। अब हम अल्लाह की बात माने या आपके अमीर साहब की बात माने मामू की? तो अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस खामोश हो गए। वैसे तो बड़े फखर से बताते हैं कि जी हुजूर ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे तो उसके हाथ कटेंगे, तेरा मामू चोरी करे तो फिर हाथ नहीं कटेंगे? मेरी सईदा जैसा है ही कोई नहीं, तेरा मामू थे शायद कोई नहीं। तो अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस ने सर उठा के कहा कि मुआविया की इताअत करो उन कामों में जिसमें वो तुम्हें अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलाएं, और जिसमें वो नाफरमानी करें तो मुआविया की नाफरमानी करो।